प्रधानमंत्री जी को सादर प्रणाम। मेरा नाम सुरेखा सिंह है और मैं काशी क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ की सह संयोजक हूँ। सबसे पहले तो आपका हृदय से आभार कि आपकी बहुत सारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, उनमें से बहुत कुछ योजनाओं का लाभ मैंने लिया है जिसके लिए मैं एलिजिबल थी। जैसे हम लोगों ने मेरी दो बेटियां हैं तो मैंने सुकन्या समृद्धि योजना करा रखी है और हम पति पत्नी ने सुरक्षा बीमा भी करा रखा है। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये हो रही है आपको बताते हुए कि मुझे मुद्रा योजना का भी लाभ मिला है, जिसके कारण मैंने अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन रन करना शुरू कर दिया है और आपके आशीर्वाद से अभी वो बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि 2019 के चुनाव के बाद हमने देखा है कि हमारी पार्टी जो है वो बहुत ऊंचाई को छू रही है और हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब हम जगह जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं जो हमारे वरिष्ठ जनसंघ के समय के कार्यकर्ता हैं, तो वो लोग भी बहुत भाव विभोर हो जाते हैं इस बात को सुनकर, देखकर, जानकर कि हमारी पार्टी बहुत आगे बढ़ रही है। तो हमें भी हमेशा ये प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से दो तीन पीढ़ियों ने पार्टी की सेवा की है, जनसेवा की है और पार्टी के माध्यम से ही जनसेवा की है। तो हमें आप कुछ ऐसे टिप्स दें, कुछ ऐसा सुझाव दें, कुछ ऐसी बातें बताएं जिसे हम पार्टी को और नया आयाम दे सकें और इसे शिखर तक पहुंचाएं। सुरेखा जी, पहले तो आपको बधाई कि आपने भारत सरकार की योजनाओं का अध्ययन किया और जिसके लिए आप हकदार है इसके लिए आपने प्रयास किया और आपको उसका लाभ भी मिला। लेकिन मेरा सबसे पहला आग्रह यह होगा कि जिस प्रकार से आपको लाभ मिला है वो आपके हक का मिला है। कोई आप बीजेपी का कार्यकर्ता है इसलिए मिला, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जागरूक हैं इसलिए मिला है। सभी जागरूक कार्यकर्ताओं का काम है, हमारे अगल बगल में जितने परिवार रहते हैं, हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसमें हमारे जैसे बहुत हकदार लोग रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। उनको कोई जाके समझाता नहीं है कि भाई 90 पैसे में इंश्योरेंस हो सकता है, 1 रुपये में इंश्योरेंस हो सकता है। थोड़ा सा उनका संपर्क करके हम बताएंगे। और सरकार की ये जो सोशल बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, मैं समझता हूं उनके इतने आशीर्वाद मिलेंगे, हमें अपने काम का इतना संतोष मिलेगा। अब जैसे आयुष्मान भारत है, अब गरीब परिवार को कभी पता ही नहीं होता है कि भाई ये गोल्ड कार्ड कहाँ मिलता है, मुझे जाना कहाँ है। हम तय करें कि रोज मैं ऐसे 5 परिवारों को जरूर मिलूंगा कि भाई बताइए गोल्ड कार्ड आपको मिला कि नहीं मिला, आप बीमार थे तो कभी अस्पताल गोल्ड कार्ड लेके गए थे कि नहीं गए थे, चलिए मैं आपको ले जाता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं उसके जीवन को कितना संतोष होगा। और इसलिए हम राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का नीचे तक लोगों को लाभ पहुंचाएं, ये सबसे पहली बात। दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी पार्टी अचानक नहीं बनी है, एक हवा का झोंका आया और हम कहां से कहां पहुंच गए, ऐसा नहीं है जी। चार चार पीढ़ी तक कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है, परिवार के परिवार खपा दिए हैं और तब जाकर के हमने लोगों का विश्वास पाया है। और उसका परिणाम है कि हमारी पार्टी, जिसकी उम्र को ज्यादा नहीं है, लोकतंत्र के हिसाब से देखें, इतने बड़े हिसाब से देखें तो हमारी पार्टी की उम्र बहुत छोटी है, उसके बावजूद भी आज पूरे देश के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ा है, प्यार बढ़ा है। एक काम आप अवश्य कर सकते हैं, आपके यहां पुराने कार्यकर्ताओं की अपने क्षेत्र में सूची बनाएं। किसी ने 30 साल पहले काम किया होगा, किसी ने 40 साल पहले काम किया होगा, किसी ने 50 साल पहले काम किया होगा, उनकी सूची बना करके तय करें कि साल में एक बार तो इन सब का मिलन समारंभ करेंगे। दूसरा, उनके घर में कोई अच्छा अवसर है, कोई कठिनाई का समय आया है, हम कार्यकर्ता 3-4 मिलकर के समूह में उनके घर जाना चाहिए। तीसरा, कभी ऐसे सीनियर मोस्ट कार्यकर्ताओं को बिठा करके पहले वो काम कैसे करते थे, जब लोग जानते नहीं थे,
न जनसंघ को जानते थे, न शब्द जानते थे, न दिया जानते थे, न कमल जानते थे, न अटल जी का नाम जानते थे, फिर भी आप लोग कैसे काम करते थे, कैसी कठिनाइयां आती थी, लोग कैसे सवाल करते थे, आप लोगों के दिल कैसे जीतते थे, आप कभी निराश नहीं होते थे क्या, क्योंकि जमानत बचना भी मुश्किल होता था उस जमाने में, तो कैसे काम किया। जब उनसे बातें करेंगे तो आपको कार्य की प्रेरणा के लिए कभी भी किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, आपके अगल बगल में सही प्रेरणा मिलेगी, ये अपने आप में बहुत उपयोगी होता है। तीसरा, उनसे पार्टी का इतिहास पूछना चाहिए कि भाई आपके समय में पहले बनारस में कैसे काम शुरू हुआ, फिर संख्या कैसे बढ़ी, पहला चुनाव कैसे लड़े थे, उम्मीदवार कौन थे, कैसे मिला था, पहली बार जीत करके आए तो कैसा। आप जब वो पूरी कथा सुनेंगे तो जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी, क्योंकि इन लोगों ने 50-50 साल तक विजय का नामो निशान नहीं था तो भी हार नहीं मानी थी, भीतर से कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया था, वे लगे रहे थे। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और आप जरूर इस दिशा में कार्यकर्ताओं को प्रेरित करें, बहुत लाभ होगा। धन्यवाद सुरेखा जी।